टेलिभिजन important who are really taking complete communication, control of communication in the kingdom of Nepal. My dear friends, as you know that India and Nepal has been a friend for long, long years since the time immemorial. Our traditions, our culture, our ethos, our work style almost have been similar, and we have been always cherishing the sweet desire to have more and more relations, and this is our really a sincere effort in this chain to further cement our relations with Nepal. Om Sterling Global University has been established by Government of Haryana, State Government of Haryana, and it has been approved by University Grants Commission, which is the apex body for regulating all the universities in India. We actually, the OM group has been into operation for last almost 11 years. We have been imparting, teaching and giving degrees of engineering in different streams like mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, computer science engineering, electronics engineering, and also we have been giving degrees for management in the BBA course, Bachelor of Business Administration, Master of Business Administration, Bachelor of Commerce, and also we have been giving degrees teaching the Bachelor of Architecture and Master of Architecture. And only this year, in the beginning of the year, the Government of Haryana, they have permitted us to start the university in the name of Om Sterling Global University. मित्रों जैसा आपको बताना चाहेंगे ये ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है अभी इंडिया में हम बताएं आपको करीब 925 यूनिवर्सिटी है हमें कंफर्टेबल इफ आई टॉक इन हिंदी एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी और शुड आई कंटिन्यू इन इंग्लिश जैसा आप लोग बताएं हिंदी में आप सब यदि कम्फर्टेबल 20 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 925 यूनिवर्सिटी भी कम यूनिवर्सिटी है लेकिन हायर एजुकेशन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार यूनिवर्सिटी क्योंकि सरकार यूनिवर्सिटी अपने आप से नहीं खोल सकती है इसमें प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए काफ़ी अधिक भारत सरकार उत्सुक है और इसमें काफ़ी अधिक सहायता कर रही है उसी कड़ी में ये हरियाणा स्टेट जो है कि बहुत ही संपन्नशाली स्टेट और दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूर पर अवस्थित है बल्कि एक दिल्ली के लिए एक सैटेलाइट टाउन है और इंडिया में जैसे 100 जो स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं उस सिटीज़ में हिसार जो हरियाणा के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसमें हमारा यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वो एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभरता आ रहा है आप जिंदल स्टील का नाम सुने होंगे ये स्टील की दुनिया में तो बहुत ही बड़े आर्सेलर जो हमारे यूके की कंपनी थी स्टील की जिन्होंने लक्ष्मी मित्तल जो इंडिया के थे उन्होंने परचेज टेकओवर कर लिया उनसे भी बड़ा ये जिंदल स्टील कंपनी की शुरुआत हिसार से ही हुई है और बहुत सारे वहाँ स्टील की कंपनीज हैं साथ साथ एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन का हब है एक सेंटर है हिसार बहुत सारे वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ और हमारा होम स्टडी यूनिवर्सिटी भी उसी यूनिवर्सिटी से एक है लेकिन हमारे इस यूनिवर्सिटी में जैसे ही यूनिवर्सिटी बना तो हम अभी तक 3 केवल कोर्सेज चला रहे थे जैसा आपको बताया इंजीनियरिंग का कोर्स जो यूजी और पीजी लेवल का था दूसरा मैनेजमेंट का कोर्स यूजी और पीजी लेवल का था तीसरा हमारा आर्किटेक्चर जो यूजी पीजी लेवल का था इस 3 के अलावे हमने 8 और नए स्कूल की शुरुआत इस यूनिवर्सिटी में शुरू किया है जिसमें आपको मुख्यतः जो हम नेपाल हमारे का आने का काठमांडू स्पेशली आने का मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे आके नेपाल से अक्सर मैक्सिमम जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो अभी इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया जापान चाइना साउथ कोरिया और भी यूएसए यूरोप और भी कंट्रीज़ में जाते हैं लेकिन यदि देखा जाए तो करीब करीब 70% बच्चे अभी भी इंडिया के यूनिवर्सिटी है वो एक अलग लीग पर चलने वाली है एक आउट ऑफ बॉक्स इसका थिंकिंग है इसमें क्रिएटिविटी इनोवेशन इसलिए एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है एक स्मार्ट यूनिवर्सिटी है और स्मार्ट का डिफिनीसन जो हम लोग जानते हैं सब लोग आप लोग सब लोग जानते हैं स्मार्ट का मतलब हमारा इरादा स्पेसिफिक है हमारा इरादा एम से मेजरेबल है जो आप लोग मेजर कर सकते हैं कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस है दूसरा ए जो है एसर्टेनेबल है आप
जान सकते हैं, जांच सकते हैं कि किस तरह की हम डिग्री देते हैं। आर से इसका जो है सो वैल्यू अपने आप में है, और लास्ट में जी है वो टाइम बाउंड और टाइम टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि हमारे कोर्स को बच्चे आए और चार साल के बदले छः साल आठ साल लगाए, हमारी ऐसी शिक्षा की पद्धति है। तो इसमें जैसा हम बताया कि हमारे आठ और जो स्कूल शुरू कर रहे हैं, मुख्यतः उस स्कूल में हम लोगों ने शुरू किया है जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसकी डिमांड जिसका डिमांड आज के दिन में काफ़ी अधिक है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो चार साल का कोर्स है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जो दो साल का कोर्स है, इसके साथ साथ हम जो पैरामेडिकल का कोर्स है जो नेपाल में बहुत ही अधिक इसका डिमांड है। आप लोगों के बच्चे वहाँ से जो डिग्री लेके आएंगे तो यहाँ तुरंत ही उनको जॉब मिलेगा। इस पारा जो मेडिकल हमारा है, उस पारा मेडिकल में हम बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी, बैचलर ऑफ हमारा जो है वो है रेडियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नीशियन, इस तरह का पांच विधाओं में हम बैचलर का कोर्स देते हैं जो तीन साल का कोर्स है। और इस तीन साल के बाद एक साल का उनका ट्रेनिंग है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बच्चे यहाँ भी आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंडिया भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंडिया में भी जॉब की उनको कोई मनाही नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। नेपाल के हमारे बहुत सारे बच्चे इंडिया में भी जॉब कर रहे हैं, और ऐसे भी नेपाल के भी जितना सारा हेल्थ के सेक्टर में जितना विकास हो रहा है, जितने सारे नए नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, उस हॉस्पिटल में इन सब की ज़रूरत है। इसलिए ये एक बहुत ही रोजगार परक योजना हमने लाया है। दूसरा एक और जो यहाँ पर है, योग कैसे बढ़ाया जाए, इस सब के लिए योगा का बहुत ही विशाल हमारा एक सिलेबस जिसको हमने तैयार किया है, उसमें ही बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ आपको बताएं कि हमारे यहाँ लॉ के भी कोर्सेज हैं, लॉ के कोर्सेज जो पाँच साल के कोर्सेज हैं, जो प्लस टू के बाद पाँच साल तक में उनको बी ए एल बी की डिग्री उनको मिलेगी, साथ में एल बी की डिग्री भी तीन साल की डिग्री है जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रमाणित डिग्री है। और आज के लॉ के क्षेत्र में भी जुडिशियल सर्विस के अलावा और भी क्षेत्रों में भी इतनी सारी ज़रूरत है लॉ में, जो हम सोचते हैं कि लॉ की डिग्री लेने के बाद यहाँ जो बच्चे आएंगे तो उनके लिए भी बहुत सारी आज कंपनी जो कॉरपोरेट्स जो मल्टीनेशनल जो आ रहे हैं काठमांडू नेपाल में पूरे जगहों में, इन कॉरपोरेट्स को इन मल्टीनेशनल कंपनीज को इनको भी एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है। इस लीगल एडवाइज़र के लिए जो सोलिसिटर का यहाँ फर्म्स है, सोलिसिटर के रूप में हमारे वो बच्चे यहाँ पर काम करेंगे। साथ साथ हम एजुकेशन पे भी हमारा एक कोर्स है जिसमें पाँच साल का चार साल का और भी कोर्स है, जो बीए बीएड का कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है, साथ ही बीएड का कोर्स जो दो साल का कोर्स है। इस तरह नॉलेज पर है, चूँकि आप जानते हैं कि आज का जो इकोनॉमी है जो है ये नॉलेज इकोनॉमी है, जो लोग रियली इस डिजिटलाइज वर्ल्ड या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है या ये टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें यदि पीछे पड़ जाते हैं तो उनको रियली बहुत ही पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा जो पूरा ध्येय है कि बच्चों को हम इस तरह से सक्षम बनाएं, बच्चों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताएंगे, बच्चों को रोबोटिक्स के का ज्ञान देंगे, बच्चों को हम डिज़ाइन किस तरह से कैट कैम पर कैसे डिजाइन होता है, प्रो ई से कैसे काम किया जाता है, उस लैंग्वेज को बच्चों को सिखाएंगे। साथ साथ सेंसर से और रिमोट सेंसिंग से किस तरह से सैटेलाइट से कैसे वर्क काम हो सकता है, तो इस तरह का सारा ट्रेनिंग के लिए हमारे कोर्सेज में सारी व्यवस्था है। और एक और आपको बता दें कि एक हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए एक स्पेशलाइज कोर्स है जो आई नर्सर कंपनी है जो उस कोर्स को चलाएगी। ये कोर्स जो चार साल का कोर्स है, इस चार साल के कोर्स में वो सारे जितनी बातें हम कहें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर जितनी सारे अपडेट लेटेस्ट न्यूज सी और सी प्लस जावा ये सब तो बहुत ही आउटडेटेड हो गया, हडूप भी अभी जो कुछ सालों से चल रहा था उसके ऊपर भी जो हमारा सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज है उस टेक्नोलॉजी से हम बच्चों का व्यक्तिगत विकास, एक सॉफ्ट स्किल जो उनका बोलने का तरीका, उनको उठने का तरीका, उनको बैठने का तरीका, उनको कपड़े पहनने का तरीका, उनको अपने बाल को ठीक ठाक रखने का तरीका, ये सारे जितनी अपने पर्सनैलिटी से संबंधित है उस सॉफ्ट स्किल को हम डेवलप करेंगे जिसको हमने लाइफ स्किल का नाम दिया है, ताकि बच्चे जहाँ जाएँ तो होम स्टडी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बच्चे को देख के ही आप कह सकते हैं कि होम स्टडी ग्लोबल यूनिवर्सिटी का बच्चा है कि किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चे से डिफरेंट है, क्योंकि उनके बोलने का तरीका, उनके खड़े होने का तरीका, उनको आपसे आदर से बात करने का तरीका, एक जो एटिकेट मैनर्स ये है, इसकी भी ट्रेनिंग
हम लोग वहाँ पर उनको देने जा रहे हैं। और साथ साथ सबसे दिक्कत यहाँ पर है, फॉर्चुनेटली हमने पाया है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं नेपाल के, बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बच्चे रियली बहुत इंटेलिजेंट हैं, बच्चे में एक जानकारी और सीखने की भी एक ललक है, एक उनमें जुनून है। इस जुनून को तो जरूरत इस बात की है कि हम किस तरह से उनको क्रास सकते हैं, किस तरह से उनको पॉलिश कर सकते हैं। हम अपने शिक्षक को बराबर करते रहते हैं। एक वहाँ पर जो बहुत ही अधिक परसेंट अगर है तो उसको हम 15% का स्कॉलरशिप देते हैं, 80% से नीचे हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि जो हमारी टोटल फीस है अगर हम कंपेयर करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो बिल्कुल इतनी रीज़नेबल है कि उसको हमें और इससे ज़्यादा कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 80% से जो स्टूडेंट का नीचे का बच्चा है वो ऑलमोस्ट एवरेज स्टूडेंट रहता है।